Pooja. And now I would like to invite Swara Bhaskar and Shikha Talsania. चार महिला दोस्तों की कहानी पर आधारित फिल्म वीरे दी वेडिंग का आज प्रमोशन करने पहुंची इस फिल्म की चारों अभिनेत्रियां, जिनमें करीना कपूर खान, सोनम कपूर, स्वारा भास्कर और शिखा तलसानिया मौजूद रही। बहरहाल ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में आप पहली बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों को गाली गलौज भी करते हुए देखेंगे। चलिए तो फिर आपको मिलवाते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट से और जानते हैं इनकी इस फिल्म के बारे में। I think it was great. It was a great experience working with Sonam, Swara, Shikha, all of them. Ria as the producer. I think it's just been absolutely amazing. And I'm just happy to be a part of a film which has a different language. It's a first time for me, so very very excited for. To see the reaction of what my fans would think. I'm sure they'll love it. Using them or just the reaction? I think ये दिल्ली की लड़कियाँ हैं, दिल्ली या बॉम्बे की जो भी हम लड़कियाँ हैं, हम colloquially ऐसे बात करते हैं. I didn't think much of it. I didn't know that men are going to react like that, that women are casting. जब वो cast करते हैं, हम लोग ऐसे react नहीं करते. तो I didn't think of it. मैंने सोचा भी नहीं कि यार आई एम यूजिंग अ कास्ट वर्ड. मैंने सोचा कि यार क्या अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत मजा आएगा ये करने में. आई डिडंट थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैट. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज फॉर यू. सो वी बीन सीइंग एवरीवेयर हैशटैग आई एम नॉट अ चिक फ्लिक. व्हाट इज इट ऑल अबाउट? है क्या बेसिकली? आई थिंक कि बेसिकली चिक फ्लिक एक अजीब सी कैटेगरी है जिसमें कोई भी ऐसी कहानी जिसमें महिला किरदार केंद्र में है उसको चिक फ्लिक या विमेन सेंट्रिक फिल्म बना बोल दिया जाता है. क्या हम कभी भी 100 साल से फिल्में बन रही हैं, क्या हमने कभी भी जो फिल्में बनी उन्हें कहा है कि ये एक मेल सेंट्रिक फिल्म है या ये एक डूड फ्लिक है? ये तो हम कभी नहीं कहते. तो अगर कोई ऐसी कहानी है जिसमें लड़कियां हैं तो उसे लेबल लगाने की क्या जरूरत है? ये कॉमेडी है, ये इसमें रोमांस है. हम एक अजीब सा नया जॉनर क्यों बनाएं औरतों के लिए? सो आई थिंक कि वो जो कैटेगरी है वो मिसलीडिंग भी होती है. ये कहानी सबके लिए है, दोस्ती की कहानी है एंड सबको आके देखना चाहिए ये किसी. वेल आई हैव नो प्रेशर, आई हैव इनफैक्ट काफ़ी एक्साइटमेंट है बिकॉज जैसे सोनम ने कहा कि पहली बार ऐसी एक फिल्म बन रही है. आई थिंक आई वेर यूज टू वर्किंग विद मेल एक्टर्स ऑपोजिट अस, बट दिस टाइम आई थिंक वेर अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड आई एम वेटिंग टू सी द रिएक्शन ऑफ वॉट माई फैंस एंड द ऑडियंसिस विल बी के हाउ विल दे टेक टू दिस काइंड ऑफ अ फिल्म. क्योंकि इस फिल्म की भाषा जो है काफ़ी अलग है. इस फिल्म का जो द एंटायर द concept of this film is I think one of its kind and I'm quite sure we're ready for this film and I'm very very positive. तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार. थैंक यू.